हमारे गांव का ये नाला बरसों से टूटा हुआ है। अच्छे आदमी के साथ जुड़ा हुआ आदमी सच्ची बात करता है। गूगल इंफॉर्मेशन सेंटर बाड़ूच, तो अभी हम चल रहे हैं अपने गांव से बाड़ू चौराहा की तरफ, और ये रास्ते में जो खेत बोए गए हैं उसके विषय में एक छोटा सा विवरण दे दें। धान की फसल कटने के बाद गेहूं की बुआई हो चुकी है और गेहूं की फसल हल्की हल्की जम चुकी है। ये देखिए, इसमें सरसों और मटर बोया गया है इस खेत में, और ये है गेहूं की फसल। अब ये फसल तैयार होगी तो फिर किसान 3 महीने से 4 महीने में उसका फसल तैयार होगा तो उपज मिलेगा। और रास्ते में और भी कोई चीज़ दिखाई देगी तो आपको अपडेट करेंगे। हमारे गांव का ये नाला बरसों से टूटा हुआ है जिससे इधर आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है इस नाले की वजह से। ये हमारे गांव को जोड़ने वाली पक्की सड़क है। किसान अपने सुविधा अनुसार जो जरूरत की चीज़ें हैं उसको अपने खेतों में बोया है। अब हम बलिवा पहुंच चुके हैं जो कि फाजिल नगर और कटिया के रास्ते पे है। ये है इंदिरा बाजार जो कि बाड़ू चौराहा के ठीक बगल में ये बाजार है, और ये फाजिल नगर के रास्ते पे स्थित बहुत ही पुराना मार्केट है। हालांकि ये मार्केट कुछ ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया, लेकिन ये मार्केट फाजिल नगर जैसा पुराना मार्केट है, और इसका नाम भी इस रास्ते से गुजरने वाले हर एक राहगीर के अच्छे से मालूम है। से इस चौराहे पे दो दो पेट्रोल पंप है। ये पेट्रोल पंप ठीक ग्राम पंचायत भानपुर के सामने है। ये रहा बाड़ू चौराहा। आज फिर हम बाड़ू चौराहे में आए हुए हैं। इस चौराहे पे आते हुए हमको आज चौथा दिन है। ये चौराहा काफ़ी डेवलप है जिसके वजह से हम इस चौराहे पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं। हमारे गांव के नज़दीक का है और फाजिल नगर के बाद कटिया के बीच में ये सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ पे ऑफलाइन व्यापार करने वाले सभी व्यापारियों को हम अपने माध्यम से ऑनलाइन करने का भरपूर प्रयास करने का काम कर रहे हैं, जिससे कि ये चौराहा भी ऑनलाइन आकर के मार्केटिंग कर सके। हाँ नहीं बोले कुछ कहो तो नहीं। आप पत्रकार है ना? पत्रकार ना है, हमारा ऑनलाइन ब्लॉगिंग करे के हो, पत्रकारिता के सेक्टर में नहीं उतरे के अब करके ताकि जरूर कि नहीं। अच्छे आदमी के साथ जुड़ा हुआ आदमी सच्ची बात करता है। आपको शुरू से हमारा व्यवहार मालूम है ना? हाँ, तो बस तो आप हमारे बारे में तब गलत नहीं, तो हम आप आज अशोक भैया के साथ बैठ करके चाय का भी मजा ले रहे हैं हम बाड़ू चौराहे में। और ये अशोक भैया के तरफ से ही हमको ऑफर किया गया है, और ये एकदम यही है वीडियो आई। अशोक जी से मिलने के बाद अब हम बाड़ू चौराहे का जो गोलम्बर है, गोलम्बर के साइड अब हम धीरे धीरे चल रहे हैं। अभी हम बाड़ू चौराहा गोलम्बर के पास पहुंच चुके हैं, और गोलम्बर से मुड़ेरा के तरफ जाने वाला जो रास्ता है, जस्ट हमारे लेफ्ट हैंड पे जो रास्ता है उधर हम चलेंगे। और जहां तक कल तक जो लोग जुड़े थे हमसे जुड़े थे, फिर आज उसके आगे का कार्य हम आज फिर शुरू करने वाले हैं ठीक इसी रास्ते पे। और ये मुरेड़ा और बाड़ू चौराहे को जोड़ने वाला ये रास्ता है। गूगल इंफॉर्मेशन सेंटर
बाढ़ू चौराहे में ये दुकान है, यहाँ पे अब हम आज अपने कार्यों को ठप करते हैं और फिर अगले दिन लोगों से संपर्क करने का कार्य चलेगा, अपने साथ जोड़ने का कार्य चलेगा। तब तक के लिए हम आप सभी से अलविदा लेते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।